जब उबालते हो तो वो दूध उबालने के बाद वो ऐसे ही बन जाता है पूरा मक्खन, या फिर कुछ करना पड़ता है? जब नीचे उसमें लोहे की कढ़ाई में दूध उबालते हैं ठंडों पे, फिर अच्छे से उबालने के बाद उसे हम एक मटके में, बड़े मटके में दही के लिए जमाते हैं रात को। अच्छा। उसमें हल्का सा बीचन डाल के फिर उसके बाद उसकी चर्निंग होती है लकड़ी की मटनी से, उसमें से सुबह 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 ही किया जाता है जब सूरज भी नहीं उगता ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा। फिर उसके बाद मक्खन निकाल के उसे कलेक्ट करते हैं और हर दूसरे दिन हम उसको फिर यहाँ ला के उसको चूल्हे पे घी बनाते हैं। Okay. तो ये वो मक्खन है जो चर्ण करने के बाद निकलता है। अच्छा। और जो बाकी का बचता है वो होता है आपका, वो लस्सी बन जाती है। वो लस्सी बन जाती है जैसे तकरारिश और बाकी सारी चीजें। तकरारिश बन जाता है उसका। सब मिला के 4 किलो है? 4.5 किलो। अच्छा। और ये पूरा एक ही बैच के अंदर एक ही कढ़ाई में बन जाएगा एक ही बारी में 4 किलो? हाँ, इसमें हम थोड़ा सा बचा लेंगे। अच्छा। बाकी लगभग 4 किलो एक बैच में। और इसका घी कितना निकलेगा 4 किलो पे? मक्खन में 4 किलो में से लगभग 3.5 किलो निकल जाएगा क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट काफ़ी होता है ना, लस्सी है मक्खन के बीच का जो मॉइस्चर तो नीचे नीचे पानी हाँ, हाँ, वो तो उड़ जाएगा, ये सब उड़ेगा। तो ये जैसे तोड़ तोड़ के डालना है, इसका भी कोई पर्पस है या फिर इसको एक साथ नहीं डाल सकते? एक साथ डालेंगे तो पानी भी चले जाएगा इसके अंदर, और पानी कम से कम जाना चाहिए घी बनाते वक्त। अच्छा। पानी कम से कम जाना चाहिए तो घी का टेस्ट ना मेंटेन रहता है, रिटेन रहता है। तो पानी तो उड़ जाएगा फिर, उससे दिक्कत क्या है? नहीं फिर वो पकेगा ज्यादा, उसको पकाना बहुत ज्यादा पड़ेगा, वो ईंधन भी वेस्ट है, उसमें घी का भी टेस्ट बदल जाता है। इसमें भी ये ध्यान रखते हैं कि जो कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा ना डाला जाए जलाने के लिए, कई लोग प्लास्टिक भी डाल देते हैं या कुछ भी डालते हैं, जिसमें अच्छी चीज़ें ही डालते हैं जैसे गोबर के कंडे, अच्छी चीज़ों की लकड़ी, जैसे हम ज़्यादातर आम की लकड़ी यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे बाग है तो वहाँ लकड़ी टूटती रहती है सूख के ना, तो हम अच्छी चीज़ें। ये तो भी और थोड़ा पीला होगा जब पूरा पिघल जाएगा शायद। हाँ, है ना, पिघल के जब एकदम घी बनने की स्टेज पर होगा तब एकदम गौमूत्र से जैसा पीला हो जाएगा, पर जमने के बाद ये दोबारा से लगभग वाइट सा ही हो जाता है। अच्छा। देख सकते हैं आप इसमें जो ये नीचे के ये सेडिमेंट्स हैं, ये जो छाछ का जब पूरा पकने के बाद जो छाछ होती है वो एकदम जल जाती है अच्छी तरीके से, तो इसे ये ध्यान रखना पड़ता है घी बनाते वक्त ये अच्छे से ब्लैक पड़ जाए। अच्छा। अगर ये कच्चा रह जाता है इसका मतलब घी अच्छे से पका नहीं है, इसमें अभी भी मॉइस्चर है। ओके। तो ये वही छाछ के सेडिमेंट्स होते हैं जो घी के नीचे ये बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये पके घी की पहचान है। ठीक है। तो ये अब जैसे नीचे बैठ गए हैं तो आप ऊपर ऊपर से घी निकाल लोगे? ऊपर से हम एक किसी यूटेंसिल की मदद से। अच्छा। सारे ये घी निकाल लेंगे और एक कंटेनर में स्टोर करके फिर उसके हम ग्लास जार्स में पैक कर देते हैं। और ये जो लास्ट में रह जाएगा उसका क्या करोगे? उसमें भी तो घी होता होगा? हाँ जी, उसमें भी घी रहता है, वो हम गायों के दलिये में डाल देते हैं। अच्छा। और इस तरह से पूरा मतलब ये पूरा यूटिलाइज हो जाता है। तो आप जैसे इसको फिर ये पैक करते हो जी, तो पैक अभी तो हालांकि ये पहले से पैक्ड है तो ये अभी ठंडा मौसम होने की वजह से जमा हुआ है, तो आप जब इसको पैक करते हो तब क्या ये घी जैसे गर्म अवस्था है उसी टाइम ऐसे ही डाल देते हो या फिर थोड़ा टाइम आप वेट करते हो उसको भरते टाइम? जैसे हम क्योंकि ये ग्लास के जार्स हैं तो इतना एकदम हॉट पैकिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर इसको टूटने का डर होता है, तो इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देते हैं। अच्छा। और फिर एक खादी के कॉटन क्लोथ से इसको छानते हैं हम 2 बार ताकि अच्छा। जितने भी ये जो हम देख रहे हैं इसमें सेडिमेंट्स ये इसके सारे निकल जाएं काफी हद तक, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सेडिमेंट्स निकल जाएं, पर फिर भी आपको जो घी है उसके नीचे आपको कुछ बारीक फिर भी कण कुछ मिल सकते हैं। ऐसे सेडिमेंट ये तो अच्छी चीज है, कोई नुकसान थोड़ी करता है, टेस्ट आता है। जी जी बिल्कुल। तो अच्छा, उस कॉटन क्लोथ से छानने के बाद फिर हम इसमें पोर करते हैं। और छानने के लिए आप प्लास्टिक की छलनी यूज नहीं कर रहे हो, आप कपड़े को यूज करते हैं, कॉटन क्लोथ ही यूज करते हैं। अच्छा। अभी जैसे आपने बताया कि 45 से 50 आपके पास गौमहिष है, तो इसका जो चारा है वो कितना एक दिन का आपका इसमें खपत है? हरे चारे के लिए हमें लगभग अभी 3 से 3.5 क्विंटल हमें हरा चारा लग जाता है। अच्छा। और इसकी पूर्ति हम अपनी खेतों से करते हैं, तो मतलब बाहर से आप नहीं ले रहे हो? नहीं, बाहर से हरा चारा नहीं। हाँ जी। अच्छा। तो जो हमारे फार्म से पूरे ऑर्गेनिक हैं और 6 साल से उनमें ऑर्गेनिक ही तरीके से हम चारा उगा रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम अपने लिए ऑर्गेनिक गेहूँ, ऑर्गेनिक राइस ये सब भी करते हैं, और इनके लिए हम रोटेशन वाइज अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे बरसम है, ज्वार है, सुपरनेपियर है, गाजर है, मूली है, ये सब भी हम करते हैं। अच्छा। खिलाने के लिए तो
उस खेत में हम आपको ले जाएंगे उस फार्म में। हाँ जरूर चलेंगे, वहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि कैसे हम वहाँ पे खेती करते हैं। तो अभी आपका जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जो जो आप उत्पाद बना रहे हो जी, तो उसके अंदर जो भी खपत है या फिर जो जितना दूध आपको जरूरत पड़ती है, वो सब आपका इसी गोवंश से ही दूध जो इकट्ठा होता है उससे पूर्ति हो पाती है या बाहर से भी आपको लेना पड़ता है? नहीं नहीं, अभी हमारा सारा फार्म का ही मिल्क होता है, फार्म का ही गौमूत्र है, फार्म का ही जितने सारा रॉ मटेरियल है सब हमारे फार्म का। कोई बाहर से किसी से बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, फिर खेत में भी चल के एक बार देख लेंगे कैसे प्रबंध किया जाता है। बल्कि हम जो हमारी औषधियाँ हैं, जैसे तुलसी है, पीली सरसों है, हम कोशिश भी करते हैं कि औषधियाँ भी हम अपने उन ऑर्गेनिक फार्म में उगाएं। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा जो औषधियाँ हम बना रहे हैं वो अपनी ही उगाई हुई औषधियों को हम यूज करें। अच्छा। इसलिए अभी हमने और औषधियाँ भी प्लांट की है, आंवला है, हरड़ है, इन सब के पेड़ लगाए हमने। अच्छा। ताकि आगे चल के भी हम हमें कहीं और ना जाना पड़े, हम खुद निर्भर आत्मनिर्भर हो सकते, डिपेंड ना होना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी संतुष्टि रहे कि हम ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं। हाँ, उसमें क्वालिटी कंट्रोल रहता है ना अपनी उपज का। उपज बहुत अच्छा। तो पराग जी, यहाँ पे जो दूध आप निकालते हो गायों का, वो आप किस समय निकालते हो और उसकी प्रक्रिया क्या होती है? कोई मशीनें हैं आपके पास या मैनुअल तरीका है? दूध निकालने का हमारा संध्याकालीन समय रखते हैं, जैसे सुबह जब सूर्य उदय होने वाला था और शाम को जब ढलने वाला होता दिन, तभी दो टाइम निकाला जाता है। और हाथों से ही हम करते हैं, पूरा मैनुअल प्रोसेस है। हाँ, मैनुअल प्रोसेस है, इसमें कोई हम मशीन यूज नहीं करते। अच्छा। और देसी गाय पसंद भी करती है कि हाथों से ही उनका दूध निकले। अच्छा। और हाथों से ये भी रहता है कि हमें पता रहता है कि बच्चे ने कितना दूध पिया है, हम कितना निकाल रहे हैं, तो उसका पूरा हमें संतुष्टि रहती है कि बच्चा पर्याप्त दूध पिए। और दूध निकालते वक्त हम यही ध्यान रखते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो उसे एक महीने तो हम खुला ही रखते हैं कि वो जितना दूध पिए उतना अच्छा है, उसके बाद जो थनों में दूध बचता है वो हम निकालते हैं। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि ये आप हाथ से निकालते हो दूध, तो मैनुअल तरीके से निकाले हुए दूध में और मशीनों से निकाले हुए दूध में जी, क्या उससे कोई क्वालिटी में, दूध की क्वालिटी में किसी तरह का कोई फर्क आता है? ये इसमें सारा अंतर इसी का ही है कि माँ का जो ममता तभी आती है जब वो अपने बच्चे को देखती है। मशीन्स में क्या होता है, ज़्यादातर पार्लर्स में, मिल्क पार्लर्स जैसे होते हैं जिनमें मशीन से दूध निकलता है, उनमें उनका बच्चा सामने ही नहीं रखा जाता। हाँ। वो बस एक पार्लर में गाय जाती है, मशीन लगती है और दूध निकल जाता है। हाँ। जब तक वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे माँ में, तब तक वो दूध में वो क्वालिटी आएगी नहीं। ये उसी तरीके से जैसे आपने ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अपने गायों को लगा दिया और दूध निकाल दिया, तो एक तरह का वो जबरदस्ती निकालने वाला, वो लगभग जबरदस्ती हो जाता है। और उसमें थनों को भी कई बार नुकसान हो जाता है क्योंकि अच्छा, जो सक्शन होता है, हाँ, सक्शन होता है, उससे कई बार थन में भी नुकसान हो जाता है। पर जो हाथ वाली प्रक्रिया है उसमें कुछ ऐसे चांसेस नहीं होते। और प्लस ये भी होता है कि आपने बच्चे को सामने रखा है तो माँ उसे मतलब प्रेम भाव से आपको दूध देती है, जबरदस्ती या कोई डेली रूटीन की वजह से दूध नहीं दे रही, वो अपने प्रेम से प्रेम दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसका ध्यान रखना चाहिए। पराग जी, यहाँ पे गायों को क्या खिलाते हो आप? गायों को हम सबसे ज़रूरी चीज़ उनका पोषक आहार के लिए हम उनको एक अच्छी खल खिलाते हैं। अच्छा। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ होते हैं और वो खल भी बिना यूरिया की रखते हैं हम। इसके सिवाय हम इनको दोनों टाइम दलिया देते हैं जिसमें हम सरसों का तेल ये सारी चीज़ें डालते हैं ताकि उनके कैल्शियम की कमी ना हो। उसके बाद इनको रोज़ हरा चारा मिलता है जो हमारे ही खेत का होता है, ऑर्गेनिक होता है। फिर ड्राई पाउडर में हम गेहूँ का भूसा खिलाते हैं। अच्छा। और मूंगफली का भूसा भी खिलाते हैं कई बार। इसके सिवाय इनके रोज़ जो आहार होता है उसमें हम हल्दी, अजवाइन, नमक ये सारी चीज़ें, औषधियाँ भी डालते हैं, हरड़ वगैरह सब डाल देते हो ताकि इनका पेट ठीक रहे, पाचन ठीक रहे और ये तंदुरुस्त रहे, इनको इम्यूनिटी अच्छी रहे। और जो हमें गवे भी मिले वो उतने ही शुद्ध और अच्छे असरदार। नहीं, वो तो अच्छा है, अच्छा खाएंगी और खुश रहेंगी तो फिर उनके जो गब्बे मिलेंगे उसमें भी उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। जी, कौन कौन से गोवंश हैं हमारे पास यहाँ? यहाँ पे कई प्रकार की नस्लें हैं हमारे पास, जैसे यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि कंकरेज नस्ल है, ये हमारे पास कंकरेज की है। बाकी इस हर्ड में गिर है, साहिवाल है, हायपरकर है और कुछ हरियाणा नस्ल की गाय। अच्छा, और टोटल कितना गोवंश है हमारे पास यहाँ पर? यहाँ पर 45 से 50 के आसपास है, सारे बच्चे नंदी और गाय मिला के। अच्छा, 50 हो गए जी। और हर साल आपको बस औसतन 15 गाय पैदा होते हैं यहाँ पर? अच्छी बात है। और कितनी गाय होंगी यहाँ पर अभी जो दूध दे पा रही हैं? मिल्किंग में यहाँ पे अभी 20 गाय हैं पर दूध दे रही हैं। पराग जी, अभी जैसे ये गाय है ये अभी ऊपर चढ़ के नीम के पत्ते खा रही है जी, तो ये क्या सभी गायों को पसंद होता है ऐसे नीम खाना?
हाँ ये गायों के मतलब कहें एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी है, उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो वही औषधियाँ खाती हैं। अच्छा। अब जैसे अगर उनको उनके शरीर में सॉल्ट्स की कमी है, लवण की कमी है, हाँ। तो वो अगर आपने कहीं नमक का पत्थर रखा हुआ है तो वो खुद उसे जाके चाटने लग जाएंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वैसे ही जैसे अगर उनके शरीर में किसी औषधि की कमी है तो वो खुद ही उस औषधि चरते वक्त उसी औषधि के पास जाके और उसे ही ज़्यादा खाएंगे। अच्छा। तो इसलिए यहाँ नीम के पेड़ इतने सारे हैं, हाँ। ताकि हम इनको हफ्ते में एक बार नीम के पत्ते इनके सामने डाल दिए जाते हैं, तो जिस गाय को जितना खाना है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो उतने नीम के पत्ते खा लेती हैं, और जिससे उनके पेट के डिवॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब इनके पेट के कीड़े मारने के लिए आप अलग से कोई दवाई नहीं देते हो? देने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो नीम के पत्ते काम कर जाते हैं। जी जी, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप कोई अलग से दवाई नहीं देनी पड़ रही और प्राकृतिक तरीके से ही पेट के कीड़े मर जाते हैं इनके। यही वाला क्वेश्चन दोबारा पूछ। अरे मैं नहीं करता हूँ, तू इधर आ, तू पूछ। बिगड़ रहा है यार, धुलिया मेरा कौन सा, मैं को तेरी जैकेट तो अच्छी लग रही है। ऐसा कुछ YouTube पे डालेगा, लोग देखेंगे। कोई बात नहीं, चल इतनी फॉर्मेलिटीज में मत पड़ा कर भाई, तू समझा कर। गेटअप की गेटअप वेटअप कुछ नहीं है, ये कोई हम फैशन शो थोड़ी कर रहे हैं। कपड़े गंदे हो ना वो अलग चीज है भाई, नेचुरल चीज होती है, लोग पसंद करते हैं इस चीज को। मैंने पूछा था एकदम रैंडमली, तू समझ तेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, सोच कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, ऐसी मैं कोई शूट वूट नहीं कर रहा, बस तू करता जा। हाँ तो मैं यही पूछ रहा था यहाँ पर अभी करूँ। हाँ